काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वन प्लस फ़ोन लूँ करके, तो आज मैंने फाइनली फ़ोन हल्द्वानी से, मेरा मित्र जतिन, उसने मुझे आज ये फ़ोन मुझे, तो भाई का नया फ़ोन आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। रुक तो जा, फोटो कितनी मजेदार आ रही, इसमें मजा आ गया। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग, होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग अनप्लान है बिल्कुल, क्योंकि भाई का फ़ोन लेके आया था ये वाला शूट, मैं अभी मॉर्निंग में कर रही हूँ, और भाई कल अपने लिए फ़ोन लेके आया है, और उसका फ़ोन पहले वाला खो गया था, हमें बताया नहीं था कि फ़ोन लेके आ रहा है, बट उसने हम लोग को सरप्राइज दिया, तो चलो उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। फ़ोन आ गया रात को, तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वो उसकी वीडियो बना ली थी जब अनबॉक्सिंग कर रहा था आप लोगों के लिए, तो चलो स्टार्ट। तो भाई का नया फोन आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। तो ये अनबॉक्सिंग कर रहे हैं इसकी फोन की। फाइनली जतिन ब्रो, थैंक यू। सचिन टमटा, थैंक यू। जोगी भैया, थैंक यू। मैं आज काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि वन प्लस फ़ोन लूँ करके, तो आज मैंने फाइनली फ़ोन हल्द्वानी से, मेरा मित्र जतिन, उसने मुझे आज ये फ़ोन मुझे प्रोवाइड कराया है। ये है वन प्लस का 9R, ब्लैक कलर है, 8/128 है। मेरा जो मन था, मैंने सोचा था कि नोट 2 का जो था वो लूँगा फ़ोन, तो लेकिन मेरे उसने सजेस्ट करा कि मेरे फ्रेंड ने, सचिन ने, जतिन ब्रो ने, उन्होंने बोला कि वन प्लस का अगर तुझे लेना है तो ये वाला लो, अभी ये एक हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है। तो मुझे जब ये मैंने फ़ोन देखा तो मुझे अच्छा लगा, इसके फीचर्स भी अच्छे लगे। अट्ठाईस मेगा पिक्सल बैक, डाटा केबल, और वन प्लस का आप देख रहे होंगे कि अभी इसमें एक ही स्विच होता है पीछे से, इसमें आपका क्या हेडफोन की केबल लेड नहीं होती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल में अभी ये की आई है केबल, इसमें हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे फ्रेंड ने, ये वैसे मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है, लेकिन मेरे फ्रेंड ने ये मुझे गिफ्ट कराया है, और इसमें बिल जो है मेरा है। फाइनली ये मार्केट रेट से मुझे 2-3 हज़ार को सस्ता पड़ा है, मैंने ऑनलाइन भी चेक तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और पहले भी सुन लो, नानी की फोटो क्लिक करके देखेंगे कि कैसी रहेंगे। Ooh.
अंधे हुए थे चलने। मम्मी वो नंबर कहाँ फेंक दिया? हाँ देखो देखो देखो, फोटो तो क्या जबरदस्त आ रही है इसमें। रुक तो जा, फोटो कितनी मजेदार आ रही है इसमें, मजा आ गया।